गुड मॉर्निंग पंजाब, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। तुसीं वेख रहे हो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडे नाल मैं अमृता गर्ग। गल करांगे बजट दी, टैक्स दा बोझ है अजिहे दे विच कि इह बजट राहत दी डोज लैके आएगा, इह वेखणा होएगा। जो निगाहां हर आमो खास दीआं इसे बजट ते रहिण वालीआं ने। सो अज मुल्क दा आम बजट पेश होएगा ते बजट वित्तीय साल 2022-23 दे लई होण जा रहा है। मुल्क दी खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन सवेरे करीब 11 बजे सदन दे विच मोदी सरकार दा 10वां बजट पेश करनगे। निर्मला सीतारमन चौथी बार बजट पेश कर रहे ने ते कोरोना दी मार चल रही आर्थिकता नूं इस वार दे इस बजट तों काफी उम्मीदां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों देश दा आम बजट पेश कीता जावेगा। अज दा इह बजट तय करेगा कि आउण वाले एक साल दे विच भारत दी अर्थव्यवस्था किस रस्ते ते जावेगी। ठीक सवेरे 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जद संसद दे विच बजट पेश करनगे तां 135 करोड़ भारती उन्हां दे एक एक शब्द नूं बड़े ही गौर दे नाल सुनणगे। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर दे लई भारत दा आम बजट खास मायने रखदा है, क्योंकि भारत दुनिया दी सब तो शक्तिशाली अर्थव्यवस्थावां दे विच्चों एक है। कोरोना वर्गी महामारी दीआं तिन लहरां झेल चुके देश नूं इस बजट तो काफी उम्मीदां ने। खेती, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर घरेलू जरूरतां, हर कोई चाहुंदा है बजट दे विच हालात बेहतर करन वाले उपा शामिल कीते गए होण। किसान, व्यापारी, नौकरी पेशा तो लैके दिहाड़ीदार मजदूरां तक नूं इस बजट तो काफी उम्मीदां ने। महिलावां या फिर पेंशनधारी बजुर्गां नूं भी वित्त मंत्री तों राहत मिलण दी उम्मीद है। अजे दे विच इह कहना गलत नहीं है कि देश नूं उम्मीदां बजट तों नहीं। सोमवार नूं बजट सत्र दे पहले दिन वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश कीता। उम्मीद जताई जा रही है कि चालू वित्त साल दे विच भारत दी GDP 9.2% दी दर तों वधण वाली है ते अगले वित्त साल दे विच इस विच कुछ कमी आ सकती है। अंदाजे भी लगाए जा रहे ने कि इकोनॉमी 8 तों 8.5% दी दर नाल वध सकती है। फिलहाल देश दे अग्गे महंगाई, रोजगार, डिमांड जनरेशन यानी कि मंग नूं वधाना तीन वड्डियां चुनौतियां ने। पिछले 2 साल दे विच कोरोना काल दे दौरान देश दे विच अर्थव्यवस्था दी रफ्तार काफी घट सी। उद्योग व्यापार दे सामने एक वड्डा संकट खड़ा है। बेरोजगारी दी समस्या वधन लगी है। हालांकि हुण कोरोना दी रफ्तार घट गई है पर अर्थव्यवस्था पटरी ते वापस आ रही है। अजे दे विच आम बजट तों उम्मीद कीती जांदी है कि ओ अर्थव्यवस्था नूं तरक्की दा बूस्टर डोज देवेगा ताकि भारत दुनिया दी सब तों मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनन दी राह ते होर वी अग्गे वधेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार दे साम बजट तों हर आमो खास नूं उम्मीद है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल जदों ग्राउंड ते उतरे आ ते हर वर्ग दे नाल गलबात कीती कि कुछ महिलावां, व्यापारी, नौजवान ते हर आमो खास सोचदा है, उम्मीद करदा है। आओ देखदे हां। असीं यही उम्मीद करते हैं भी सानू रोज़गार मिलना चाहिए, साढ़े बच्चे पढ़ लिख के भी बेरोजगार ने। यही चाहते हैं भी वध तो वध लेडीज़ नू फैसिलिटियां मिलन, जॉब्स मिलन, जिवें साढ़े बच्चे ने पढ़ लिख रहे ने, वध तो वध उन्हां नू रोज़गार मिलना चाहिए हैगा। वो बाहरलियां कंट्रियां नू जा रहे ने। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਚਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਤੋਰਨ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਯੁਵਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ, ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
की चाहता है युवा बजट तो? देखो जी, जिहड़ी सब तो वड्डी प्रॉब्लम इस टाइम ते या जिवें भी आपां कहीए कि बेरोजगारी वध रही है, युवा इहो ही चाहुंदा कि नौकरी जिथे भी है, जिथे वो रहिंदे अपनी फैमिली नाल टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकन ते उत्थे ही नौकरी मिल जाए। जिवें कि मैं बैंगलोर जॉब करदा हैगा, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता पिया, बट जे मैं कंपेयर कराँ कि जे मेरा जिहड़ा मेरा वर्क फ्रॉम होम हैगा, मैनूं इत्थे ज़्यादा पैसे सेव होंदे आ। इंस्टेड इफ आई गो इन बैंगलोर, उत्थे मेरा जिन्ना कु खर्चा हैगा, जिन्ना मैं कमाना उन्ना ही उत्थे स्पेंड हो जाता है। यानी कि जे तुसी को ट्रैवल दा या फिर तुसी को भी अपने खान पीन दा रेंट दा वो सारा निकल जाता। सब तो वड्डी गल इहो ही मैं कहना चाहता कोई भी सरकार हैगी है कि जेड़ा भी बजट आए वो सिर्फ कुछ जिवें सिटी हैगी बिग सिटीज़ आपां कह सकते हैं कि नागपुर हैगी सॉरी पुणे हैगी, बैंगलोर हैगी, हैदराबाद हैगी है, इन्हां नूं ना फोकस करन, क्योंकि अपना जो एरिया देखिए पंजाब, पंजाब च भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैगियां, जो रिसोर्स है अपन प्रोपर यूज़ कर सकते हैं। जो सानू रोज़गार वधिया मिल जाता अपनी सिटी ची, तो मैं चाह मेरे हिसाब नाल आपां बहुत अगे जा सकते हैं उस चीज़ नूं लैके, मेरी एहो ही मन्ना। थोड़ा की कहना जी? मैं भाजी की गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ। एक्चुअली दिक्कत की है, दिक्कत यह है कि स्किल डिवेलपमेंट जी है प्रोपरली पूरी तरह इनिशिएट नहीं हो रही। अगर गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज लैके आ भी रही है स्किल डिवेलपमेंट नूं लैके यूथ दे लई, बट वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, जिदे कारण की है कि गवर्नमेंट भी अपने वालों कह रही है कि उन्हें तरक्की की है युवावां लई कुछ किया है, पर दिक्कत यह आ रही है कि युवा जिहड़ा है वो होर ज़्यादा पिछे जा रहा है। यदा कारण मेन इहो ही है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ नूं सही तरीके नाल इंप्लीमेंट करन और स्किल डिवेलपमेंट नूं एक नवे लैवल ते लैके जान, जिहदे नाल की है यूथ दे नाल नाल। देखो जी, एक घर दा एक युवा अगर तरक्की करदा है तो सिर्फ एक घर अगे नहीं वधदा, पूरा दा पूरा परिवार अगे वधदा है। मेरी सरकार अगे यही गुजारिश है कि स्किल डिवेलपमेंट वाल ज़्यादा जोर दिता जाए। आप सारे स्टडी करने हैं, सानू स्कूल बस यह सिखाते कि तुम इंटेलीजेंट बने एक दूसरे को, सानू यह समझाते हैं कि जो तुहाडे को स्किल है तो नॉलेज है कि तुम इंप्लीमेंट कितने करोगे उन्होंने, सानू अज तक यह नहीं पता कि उसने कि अगे जाके आप करना की है। स्टडी कर रहे हैं, डिग्रीज कर रहे हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, जिन्होंने मिल रही है आप स्टार्टअप्स करने, सानू यह नॉलेज नहीं है कि स्टार्टअप्स कितना करने। प्रोपर एक सेंटर होने चाहिए, सानू स्किल सेंटर एक होने चाहिए कि सानू समझाए कि आप की करना अगे, सानू प्रोपर स्टडी होए एक। बस मैं तो यही चाहना कि ज़्यादा रोज़गार बधे, कि साडे वर्गे बेरोजगारां नूं जॉब मिले, तो सानू अपना दूजा मुद्दा एक होर जिहड़ी महंगाई ते थोड़ा जोर पवे। देश नूं एक ना आर्थिक पैकेज बिजनेसमैनां नूं बड़ी लोड़ है, इसलिए कोरोना तो बाद बिजनेस सारिया के थोड़े खराब होए है, तो एक तगड़ा आर्थिक पैकेज व्यापारियों छोटे व्यापारियों नूं दिता जाए ना, रोज़मर्रा दीआं चीज़ां सस्तियां कीतीआं जाण और मैडिकल वाले बन्ने भी ध्यान दिता जाए। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। बस की उड़ीक च सवारियां इत्थे बैठिया ने, खड़िया ने, बस की उड़ीक कर रही ने। इन्हां सवारियों तो पुछ लैने कि आने वाले बजट तो की आसा ने, की आसा केंद्र सरकार तो ने, इस बजट में की सस्ता होना चाहिए, की सस्ता होना चाहिए इस बजट च, की लगता है कि इस बार बजट किस तरह का होगा? उम्मीद करते हैं जी, जिहड़े कोरोना तो बाद जिहड़ा दूजा बजट है जी, जिहड़ी कोरोना की मार तो सारी जनता जिहड़ी है उठ के आई है, सरकार नूं चाहिए कि जिहड़ा बजट है उन्दे विच जिहड़ी जनता नूं रिलैक्सेशन देना चाहिए, जिस तरह की रसोई गैस है, पेट्रोल है, डीजल है और जिवें GST है, इन्हां दे विच कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम पब्लिक नूं जिहड़ा रिलैक्स मिल सके। मैम लगता कोई चीज़ सस्ती होनी चाहिए है, कोई गैस सिलेंडर या जिवें पेट्रोल डीजल दी वधदी कीमत, लगता कोई सस्ता होना चाहिए? महंगाई ना करता सिलेंडर 1000 रुपये दा, सिलेंडर सस्ता होना चाहिए। होर सब कुछ सस्ता ही होना चाहिए, मतलब जिम्मे स्टूडेंट भी तो सारा कुछ सस्ता होना चाहिए ही है, क्योंकि स्ट्रगल होंगे स्टूडेंट जी आपकी, कई एवं स्टूडेंट होंगे जिन्हें आप कमा हों, आप है ना करना हों, तो ये सो होना चाहिए। रोज़मर्रा की जिंदगी चीज़ा जीडिया यूज होंगे ने, वो जरूर कितने ना कि इस बजट सोचना चाहिए सरकार, इस बजट घट करनिया चाहिए। पेट्रोल डीजल सब तो ज़्यादा जी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो रही है, सिर्फ तो सिर्फ पेट्रोल डीजल करके, तो उस तू लैके भी आम जनता आम लोग जड़े ने कह रहे हैं कि सब तो जड़ा सस्ता होवे। ते हुण गल कर लैने चोणां दी, क्योंकि पंजाब दे विच माहौल सियासी है, विधानसभा चोणां 2022 नूं लैके प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां जंगी पद्धर ते जारी ने, ते 2022 च इस्तेमाल होण वाली चोन समग्री विधानसभा हलका श्री आनंदपुर साहब पहुंच गई है। विधानसभा चोणां दे
अमले की एक रिहर्सल हो चुकी है, चोन अमले की दूजी रिहर्सल आने वाले कुछ दिनों दे विच कीती जाएगी। 2022 चोणां नूं लै के जिथे सियासत पक्की हुई है उत्थे ही गल कर ली जाए उम्मीदवारां दी, तां उम्मीदवारां वल्लों भी नामजदगी पत्र जिहड़े आ दाखल कीते जा रहे हैं, तां प्रशासन वल्लों भी चोणां नूं लै के तैयारियां जिहड़ियां कीतियां जा रही हैं। मेरे पिछे तुसीं देख सकदे हो कि सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल हैगा, इत्थे चोणां नाल संबंधित सारा साजो समान जिहड़ा हैगा, चाहे वीवीपैट मशीनां होण, चाहे इलेक्शन नाल संबंधित होर समान होवे, सारा इत्थे जिहड़ा है रखा गया है। तैयारियां प्रशासन वल्लों कीतियां गईआं और नाल ही सुरक्षा दे इंतजाम जिहड़े कीते गए आ, मुलाजम जिहड़े ने पंजाब पुलिस दे या कमांडो दे इत्थे तैनात कीते गए ने, तां जो किसी भी किस्म दी जिहड़ी आ सुरक्षा जिहड़ी है बनी रहे। और नाल तुहानूं दस्सां जिहड़े कमरे दे विच सारा समान रखा गया है इलेक्शन नाल संबंधित, बकायदा तौर ते उहनां नूं सील कीता गया है। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल सारा समान जिहड़ा है सील कीता गया है। सो जिथे सियासी पार्टियां द्वारा चोणां नूं लै के सारा लोकां दे विच जाया जा रहा, उत्थे प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, ते प्रशासन वल्लों भी जिहड़ियां तैयारियां आरंभ दित्तियां गईआं ने, मशीनां जिहड़ियां ने ओह इत्थे रखियां गईआं ने, पुलिस मुलाजम भी इहनां दी सुरक्षा दे लई 24 घंटे जिहड़े तैनात कीते गए आ। सो जिथे सियासी पार्टियां जिहड़ियां ने अपने लोकां दे विच जा रहीआं ने, उत्थे ही प्रशासन भी पूरा पब्बा भार चोणां नूं लै के हो गया है। कैमरामैन कुलविंदर दे नाल विमल कुमार जी, मीडिया श्री आनंदपुर साहिब। भारतीय जनता पार्टी दे करतारपुर तो उम्मीदवार ने सुरेंद्र, जिन्हां ने नॉमीनेशन दे लई जलंधर दे डीसी दफ्तर पहुंचे नॉमीनेशन फाइल करना सी, पर पुलिस दे सामने किसानां वल्लों उन्हां दा जबरदस्त विरोध कीता गया। किसान आगुआं दा कहना सी कि ओह अपना मंग पत्र डीसी नूं सौंपण आए सन भाजपा दे उम्मीदवार दा विरोध करन नहीं, पर दूजे पासे भाजपा उम्मीदवार ने इल्जाम लगाया कि नामजदगी भरों तों उन्हां नूं रोकण दी कोशिश कीती गई। मेरे जिहड़े कार्यकर्ता सी 100-150 मेरे नाल बाहर खड़ा गेट तों, जदों असीं पेपर फाइल करके आ गए, उन्हां नूं पता सी मैं पेपर फाइल कर चुका, उन्हां ने सोचा कि इह पेपर फाइल करन जा रहा है, ते गेट ते आके साडा उन्हां नूं घराओ कर लिया। ओह जिहड़े सुरेंद्र चौधरी दे भेजे हुए गुंडे सी, इन्ने लोकां नूं पेपर फाइल कीते, इन्ने कैंडीडेट आए आ, और कदे भी किसे दा कोई इत्थे विरोध नहीं होया, ते सिर्फ अज सुरेंद्र चौधरी नूं अपनी हार नज़र आ रही सी, और उसने सानूं इह डराउण दी कोशिश कीती आ कि इह पेपर फाइल ना कर सकन। सो लगातार इसे तरह दीआं तस्वीरां सामने आ रहीआं ने, क्योंकि किसानां वल्लों विश्वास का दिहाड़ा बीते रोज़ मनाया गया। भदौड़ की गल करांगे, विधानसभा चोणां इत्थों लड़ रहे ने सीएम पंजाब ते नामजदगी पत्र भरन पहुंचे कच्चे अध्यापक यूनियन ने इत्थे उन्हां दा विरोध कीता, नौकरियां दी मंग नूं लैके यूनियन ने विरोध कीता, ते इन्हां दे मैंबर विरोध करते हुए सीएम दे काफले दे अगे लम्मे पै गए, सीएम दे खिलाफ नारेबाजी कीती गई ते झूठ बोलण दा इल्जाम लगाया गया। उधर नवजोत सिंह सिद्धू दे हलके दे विच पैंदे जज नगर दे लोक गंदा पानी पीण दे लई मजबूर ने, उन्हां दा कहना है कि उन्हां दे मामले नूं लैके कई वार ओह शिकायत कर चुके ने पर हल नहीं होया। सिद्धू ते कांग्रेसी परिवार ही इल्जाम लगाउंदे नजर आए। जी मीडिया ने इन्हां लोकां दे नाल गलबात कीती तां इलाके दीआं महिलावां ने सिद्धू दा बायकाट करन दी चेतावनी दित्ती। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਨਤਾ ਵੇਖੋ, ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਪੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਲੀਟਰ ਲਾਣ ਅਤੇ 8 ਲੀਟਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ
बरामद की है। पुलिस ने तीन लोग गिरफ्तार भी किए ने। इस तो अलावा भट्ठी चलाने वाला समान भी जब्त कर लिया। भट्ठी समेत भट्ठी चलाने वाला समान, बर्तन, लाण दे प्लास्टिक दे ड्रम, कच्ची लाण दी तरपालां जब्त किया गया। कार्रवाई श्री आनंदपुर साहब के पिंड खमेडा दे विच कीती गई। पर ये वेरीफाई करके ये पांच असी इंटरस्टेट नाके ये कंसीडर किए हुए हैं। तो हाल की कड़ी साढ़े को जिनी फोर्स आई है वो असी रामपुर झज्जर जिहड़ा मेन जितों नैणा देवी रोड हैगा जितों मेन रोड बनया होया उत्थे असी एक नाका लग्या होया जिहड़ा 24 घंटे चल रहा जिथे असी एक्साइज टीम की भी समय समय से उन्हां दी भी सेवावां लैंदे हां। तो उत्थे भी असी रिकवरी करन दी आ उत्थे उस एरिए दे विच कोई भी अजिहा नजायज़ चीज़ या कैश वगैरह नहीं आउण देवांगे अपने पंजाब दे एरिए। उधर दिल्ली दे विच होए जबर जनाह अते कतल मामले की घटना हुण तूल फड़ती जा रही है। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने सख्त शब्दों के निखेधी की है। इस नूं गैर मनुखी कारा दस्सिया। उन्होंने भी कहा कि मुलजमान नूं सख्त तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए है। जुलम की एक इंतहा है, जुलम का सिखर है। पहला भी दिल्ली दियां सड़कां दे उत्ते एक लड़की का जिहड़ा है वो रेप किया गया सी। तो फिर उस तो बाद उसका कतल होया सी। उदों भी पूरा हिंदुस्तान दहलिया सी ते उन्हां दोषियों नूं फांसी दियां सजावां जिहड़ियां उह मिलियां सी। इस बार भी ये जिहड़े दोषी है इन्हां नूं किसी भी कीमत दे उत्ते बख्शना नहीं चाहीदा। इन्हां नूं सख्त तो सख्त सख्त तो सख्त इहो जी मिसाली सज़ा जिहड़ी आ उह मिलनी चाहीदी है ताकि अग्गे तो कोई अजिहा घनौना काम जिहड़ा है वह करन दा हिया ना करे। खास तौर दे उत्ते किसी लड़की की इज्जत नूं हाथ पाउण दा जिहड़ा है वह हिया ना करे। श्रोमणी अकाली दल वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ते जम के निशाने साधे गए ते उन्होंने कहा कि दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले ते केजरीवाल झूठ बोल रहे ने। अकाली दल ने कहा सिर्फ भुल्लर की रिहाई लई रुकावट बनाई जा रही है जबकि बाकी 6 लोगों नूं रिहा कर दिता गया। नवजोत सिंह सिद्धू ते भी इस दौरान निशाने साधे गए। थोड़ी कमेटी बनी है, थोड़ी कमेटी दे विच थोड़े ही चेयरमैन सी सतेंद्र जैन, थोड़े ही मैंबर सैक्रटरी सी, सत्तां विचों 5 मैंबर थोड़े सी और उन्हें सरदार दविंदर पाल सिंह भुल्लर की रिहाई नूं रोकिया। 7 बंदियां दा केस इस कमेटी ने कंसीडर किया। उन्होंने 7 के नाम भी दिते हुए ने। उन्हां विचों एक सिर्फ एक जिहड़े सीगे जिन्हां दा केस देखे उन्होंने उन्हां विचों सिर्फ एक केस वो सी जिहड़ा सरदार दविंदर पाल सिंह भुल्लर उन्हां दा सी। बाकी 6 दे 6 होर स्टेटां नाल संबंध सी, होर राज्यां नाल संबंध सी और वो सारे दे सारे 6 दे 6 ही रिहा करते गए ने। सिर्फ दविंदर पाल सिंह भुल्लर नूं केजरीवाल ने कह के रुकाया होया। उधर पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री मरहूम बेअंत सिंह होरां दे कतल मामले दे मुख दोषी बलवंत सिंह राजवाणा पैरोल ते अपने पिता दे भोग समागम च शामिल होणा है। इस दौरान बाहर आए राजवाणा ने अकाली दल दे समर्थन च बयान दे दिता जिस तों बाद सियासत काफ़ी भग गई है। रवनीत बिट्टू ने खदशा जाहिर किया कि राजवाणा के बादलों के नाल लिंक हो सकते हैं अकाली दल के हक के विच तां ही उह अनितरे ने। गुस्सा जाहिर करदे उन्होंने कहा कि अजिहे लोगों को जेल तो बाहर आना ही नहीं चाहिए। श्रोमणी अकाली दल साडी पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी है, साडे पुरखियां दी विरासत है। ये विरासत जिन्नी तगड़ी होएगी, जिन्नी मजबूत होएगी खालसा जी, उन्ने ही साडे हक सुरक्षित रहणगे। साडे उन्ना हजारां इन्ना कातलां दे जुल्म दा शिकार होए, उन्ना हजारां शहीदां हजारां निर्दोष सिखां दीआं आत्मावां नूं शांति तां ही मिलेगी जे मैं हैरान ਇਹ ਜੇ ਚੋਰ ਅਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਬੰਬ ਨਾਲ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਗੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ।